ये जो फैब्रिक है ये फैब्रिक काफ़ी सालों से मेरे कपबोर्ड में पड़े हैं, करीब 7-8 सालों से। मुझे कभी पसंद नहीं आए कुछ बनाने की, मगर आज मैं सोची है कि कुछ तो बना लेते हैं, मगर ऐसे ही मुझे नहीं पहननी है, कुछ डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट करनी है ताकि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लुक आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड स्ट्रिप लिया है करीब 1 इंच चौड़ाई और उसको फोल्ड किए हैं ऐसे ताकि ये ज़्यादा चौड़ी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। और मैंने पहले से पॉकेट बना के रखे फ्रंट साइड की 2 पार्ट्स में, और ये पॉकेट कैसे बनाते हैं पहले मैंने और एक वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और ये जो स्ट्रिप है इसको मैं किनारों से लगाने वाली हूँ कि हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाने वाले हैं, इसलिए इसके सिलाई प्रोसीड्योर भी थोड़ी सी अलग है। जनरली हम फ्रंट और बैक की क्रॉच एरिया की स्टिच पहले कर लेते हैं, मगर यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड की 2 पार्ट लेंगे और बॉटम से लेकर धीरे धीरे सिलाई करते हुए हम टॉप तक आएंगे। वो क्यों, देखिए अगर हम पहले से स्ट्रिप सिलाई कर दे किनारों से तो बाद में जब हम फ्रंट और बैक जॉइन करेंगे तो वो सिलाई के नीचे आ सकती है, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, नीट हो नहीं होगी, तो इसलिए मैंने पहले से सिलाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये रेड स्ट्रिप लेंगे और पॉकेट के अंदर से थोड़ी सी फोल्ड करके डाल देंगे ताकि ये ऐसे लगे कि एक ही स्ट्रिप है। और ये जो है सिलाई है इसके आगे तक सिलाई करेंगे, ना कि सिलाई के ऊपर, थोड़ी सी छोड़ के, क्योंकि हम ये डिज़ाइन फ्रंट में दिखाना चाहते हैं। ऐसे सिलाई करते हुए हम बॉटम तक जाएंगे। और एक बार स्ट्रिप के किनारों से सिलाई करते हुए हम नीचे तक जाएंगे। देखिए हमारे मेन जो पर्पस था पैंट के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना, स्ट्रिप लगाना, वो हमारी हो गई है। अब हमें बाकी का काम फिनिश कर लेनी है। हम फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी खोलनी है क्योंकि हम दोनों को जॉइन कर दिए थे। और ये जो 2 पार्ट्स है इसको हम फेसिंग राइट साइड करके ऐसे प्लेस करेंगे और बैक क्रॉच एरिया और फ्रंट क्रॉच एरिया को हम सिलाई कर लेंगे। हम बेल्ट और इलास्टिक सिलाने की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं और वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको पैंट रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पैंट रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने बताया थे कि बेल्ट और इलास्टिक लगाने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ से खोलनी है, नहीं तो हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। और जब बेल्ट और इलास्टिक लगाना हो जाएंगे, जॉइन हो जाएंगे, हम वापस इसको जॉइन कर देंगे। रेड स्ट्रिप लगाने की वजह से सिलाई में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गई है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिखानी पड़ रही है कि इलास्टिक और बेल्ट कैसे इसको अटैच करते हैं और फिनिशिंग कैसे देती है। ये देखिए हम फ्रंट में बेल्ट और बैक में भी एक स्ट्रिप जॉइन कर लिए हैं जिसके साथ हम इलास्टिक जॉइन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि एक आइडिया आ जाए कि कैसे हम कर रहे हैं, अदरवाइज आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स इन माई वीडियोज दैट हाउ टू जॉइन बेल्ट एंड ऑल्सो इलास्टिक, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ये देखिए हमारे फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक जॉइन हो गई है। अब हमें क्या करनी है, हमने जो थोड़ी थोड़ी स्टिच को रिमूव किए थे, खोली थी, उसको हम फिर से जॉइन कर देंगे। Hey, come on,
दोनों ओपन साइड को डबल सिलाई देकर हम सिक्योर कर लेंगे। फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक ज्वाइन होने के बाद देखिए ये जो किनारे है ये थोड़े से स्टिफ हो गए, ये स्किन में चुभ सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो इसको मैं बैक की तरफ मतलब इलास्टिक की तरफ हटा देंगे और ऊपर से एक स्टिच दे देंगे ताकि ये समान हो जाए। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई और बॉटम की हेमिंग की सिलाई कर ली है और हमारे पैंट बनके तैयार है। आई एम रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट, इट इज़ रियली लुकिंग सो प्रिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया फ्रेंड, मैंने ये फैब्रिक कम से कम 8 सालों से कबर्ड में पड़े थे। आफ्टर ऑल फाइनली आई हैव मेट दिस वन, आई एम सो हैप्पी विद दैट। एंड व्हाट डू थिंक अबाउट दैट फ्रेंड, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। I'm going to show you something else in next video. So stay with me and thank you so much for watching. Bye bye. I think it's slowing down now. Oh, more give me hug, more want to talk. A dream like a moment.